हाल के दिनों में ऑडियंस के बीच साउथ फिल्मों की क्रेज काफी बढ़ गई है और इसी वजह से प्रोड्यूसर्स ओरिजिनल कंटेंट के बजाय सुपरहिट साउथ फिल्मों की हिंदी रीमेक बनाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में ऑडियंस द्वारा कई बार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सोशल मीडिया पर ट्रॉल भी किया गया है। सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार और शाहिद कपूर जैसे कलाकार पिछले कुछ सालों में ऐसी तमाम हिट फिल्में कर चुके हैं जो कि साउथ की हिंदी रीमेक थी, और अब साउथ के साथ साथ मराठी फिल्में एक बार फिर हिंदी रीमेक के लिए तैयार है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी सुपरहिट फिल्मों के हिंदी रीमेक आने वाले हैं। नंबर 1, मुलसी पैटर्न। मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म मुलसी पैटर्न की कहानी एक किसान का खेत छिन जाने और उसके बेटे का गैंगस्टर बन जाने पर आधारित है। इस फिल्म का हिंदी रीमेक है अंतिम द फाइनल ट्रूथ। हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ था। महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ आयुष शर्मा नजर आने वाले हैं। नंबर 2, अय्यप्पनम कोसियम। मलयालम एक्शन थ्रिल अय्यप्पनम कोसियम का हिंदी रीमेक बनने के लिए तैयार है। फिल्म अय्यप्पनम कोसियम में अभिषेक बच्चन के साथ साथ जॉन अब्राहम फाइनल हो चुके हैं और फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू होने जा रही है। फिल्म में दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और एक दूसरे से टक्कर लेते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3, लप्पा छप्पी। ये एक मराठी हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी लड़कियों की भ्रूण हत्या पर आधारित है। फिल्म लप्पा छप्पी में पूजा सावंत की एक्टिंग को ऑडियंस द्वारा बहुत पसंद किया गया था और अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने के लिए तैयार है। इसके हिंदी रीमेक में नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। नंबर 4, कैथी। कैथी 2019 की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार कार्थी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वहीं अब यह फिल्म हिंदी रीमेक बनने के लिए तैयार है। इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कैथी की हिंदी रीमेक को अजय देवगन की कंपनी ADF और रिलायंस एंटरटेनमेंट मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। नंबर 5, द इंटर्न। द इंटर्न एक हॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ दीपिका पादुकोण दिखाई देंगी। नंबर 6, विक्रम वेधा। विक्रम वेधा में विजय सेतुपति और आर माधवन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। एक्शन थ्रिल से भरपूर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और अब विक्रम वेधा की हिंदी रीमेक बनने को तैयार है। फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म की खास बात ये होगी कि इसमें ऋतिक रोशन हीरो नहीं बल्कि एक खूंखार गैंगस्टर के किरदार में दिखाई देंगे। नंबर 7, जर्सी। स्पोर्ट्स ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में नानी यानी नवीन बाबू ने एक क्रिकेटर का किरदार निभाया था। फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह एक खिलाड़ी की किस्मत का पासा बदलता है और वह जमीन से सीधा आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने के लिए तैयार है। इस फिल्म के हिंदी रीमेक में शाहिद कपूर के साथ मृणाल ठाकुर नजर आएंगी। नंबर 8, द टेरर लाइव। इस कोरियन फिल्म की हिंदी रीमेक है धमाका। फिल्म में कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। वह इस फिल्म में एक ऐसे पत्रकार की भूमिका निभाएंगे जो मुंबई में हुए आतंकी हमले का लाइव ब्रॉडकास्ट कवर करता है। धमाका इसी साल नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। नंबर 9, हिट। सुपरहिट तेलुगु फिल्म हिट का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी रीमेक में बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सेलेस कोलानू द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर पर आधारित है जो कि एक लापता औरत की तलाश करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।